मैंने आपको फॉलो करते करते जब मैं ड्रैग कर रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा और वो वीडियो में एक लड़की मुझे नज़र आती है जो बहुत लगती है कि भाई फिल्मों में काम करती है, अदाकारा लगती है हमेशा, लेकिन जो दूसरा उसका रोल था वो देखता हूँ मैं कि वो गाय का दूध काढ़ रही है, ये क्या अंदाज था? ये मैं गांव में थी, अपने फार्म पे थी, तो मैंने सोचा कुछ यहाँ की लड़की, अगर मैं गांव में रह रही हूँ तो मुझे ऐसी चीजें भी सीखनी चाहिए जो मैं लाइफ में सीख नहीं पाई। यू नेवर नो मुझे कल को कौन सी फिल्म में काम करने का मौका मिले जहाँ पे मुझे गाय का दूध निकालना पड़ जाए। तो आई वाज जस्ट लकी तो मैंने तो सुना था कि वो उसका बटर भी आपने तैयार किया है, क्या कुछ जायका उसका रहा था, जरा वो भी बता दीजिए। दैट डे। हाँ, मैंने उसके साथ में बटर भी बनाया था और वो भी मैंने सीखा अपने मम्मा से। तो मेरे मम्मा भी काफी मतलब शॉक थे मुझे देख के कि मैं ये सब काम कर रही हूँ। बट मुझे वैसे भी फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता, तो आई फील लाइक डूइंग सम अदर थिंग्स एंड मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमें अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए। जी सोनिया, वैसे जो कि आप एक अदाकारा के तौर पर काम कर रही हैं और अभी हमने देखा कि हिमेश से आपके साथ आप दिखाई दे रही थी, तो आपका एक बिजी शेड्यूल होता होगा, लेकिन जो ये वक्त है लॉकडाउन वाला, ऐसे में आप फुर्सत के पलों में कभी बोझिल नहीं महसूस करती, या कुछ ऐसे आपके पास उपाय हैं जिससे आप अपने वक्त को गुजार लेती? मैं सुबह से लेके शाम तक अपने आप को बिजी रखती हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज में। राइट नाउ तो मुझे हमारे रूरल पुलिस ने यहाँ की ने बिजी रख रखा था, बिकॉज मैंने उनके साथ एक एक्टिविटी प्लान की थी, बिकॉज उन्होंने एक वॉलेंटियर का सिस्टम स्टार्ट किया था हमारे एरिया में। तो उन्होंने बोला था एज आई माई सेल्फ रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज अ वॉलेंटियर, तो मैं उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट गाँव का दौरा करती थी और जिनको जरूरत है खाने की और उनके साथ प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल और साथ में मेडिसिन के बारे में नॉलेज देना और प्रोवाइड जी करना अगर किसी को चाहिए, और इनफैक्ट इम्पोर्टेंट नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे एक्चुअली लगता था कि शायद मुझे पता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जैसे एक गांव आता है तो उसके ब्लॉक्स की डिवीजन की हुई थी, तो उसके कुछ हेड्स के नंबर थे जो तो सरपंच के पास नहीं थे, उनको दिए वो नंबर्स। तो अच्छा इस सारी चीजों में सारा दिन निकल जाता था। बट राइट नाउ जब मैं नहीं जाती हूँ तो तब मेरा टाइम, जैसे अभी मैं घर पे ये सारी एक्टिविटीज, घर की एक्टिविटीज हाँ कर रही हूँ, घर की सफाई की, और मैं काफी सारी बुक्स पढ़ती हूँ, और राइट नाउ मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा जी सोनिया आगे क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अभी तो एक आध हफ्ता हमारे पास है बाकी। आगे यही प्लानिंग है सर। कल मैंने अपने आप को सोचा है कि रजिस्टर करवाने के लिए कर्फ्यू वॉलेंटियर, बिकॉज काफी सारे लोग जैसे नाकों पे आते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं, और वी आर प्लानिंग एन एक्टिविटी कि जो लोग घर तो मारूफ अदाकारा सोनिया मान ने हमसे बात की, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।